तुम लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के 12 मिलियन लोग रेप्टिलियंस एलियंस पर बिलीव करते हैं, और इस चीज की प्रेडिक्शन द सिम्पसन्स ने बहुत पहले ही कर दी थी। अमेरिका, टेक अ गुड लुक एट योर बिलोवेड कैंडिडेट्स। दे आर नथिंग बट हिडियस स्पेस रेप्टाइल्स। दोज कैंडिडेट्स आर फोनीज। तुम लोग इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हो कि कैसे कि यूएफओ क्रैश होता है पार्लियामेंट में, एंड तुरंत एक सिम्पसन्स का कैरेक्टर भागता हुआ आता है, एंड वो लोग वहाँ पे भाषण दे रहे होते हैं, उनके मास्क हटाता है और तभी पता लगता है कि वो रेप्टिलियंस होते हैं। बट तुम लोग कहोगे कि हम इस पर बिलीव क्यों करें, मैं बताता हूँ। पहले यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल के आती है, एंड दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज ऑल अबाउट जो बाइडन, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस गवर्नमेंट। Maybe they're among us. I don't know. तो बेसिकली अमेरिका के लोगों का ये कहना है कि जो बाइडन एक फेक आदमी है और असली जो बाइडन है वो मर चुका है। मतलब वो लोग ये कहते हैं कि उनका प्रेसिडेंट बिल्कुल फेक है और वो एक क्लोन है। असली जो बाइडन की मौत बहुत पहले ही हो चुकी है, एंड जो बाइडन हम लोग टीवी में देखते हैं वो एक फेक आदमी है, और जो भी G20 में इंडिया में आया था वो एक बिल्कुल फेक आदमी है। तुम लोग कहोगे हम तेरी बात पर विश्वास क्यों करें, मेरी पे नहीं करोगे, पर डोनाल्ड ट्रंप की बात पर तो करोगे ना। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ये बोला है बहुत बार पब्लिक में कि जो बाइडन बिल्कुल एक फेक आदमी है, वो एक क्लोन आदमी है। आप लोग खुद उसकी क्लिप देख सकते हो। You know it, and I know it. Joe doesn't know he's alive. Because Biden doesn't know he's alive. Biden doesn't know, I mean he doesn't know he's alive. Now I have to tell you, he's a different guy. He looks different than he used to. He acts different than he used to. He's even slower than he used to be. So I don't know, but I call him 1% Joe. Joe Biden is a dummy. It's not him. He's a puppet. He is. He's a puppet. He is. इनको नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, मैं बताऊं। डोनाल्ड ट्रंप एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अमेरिका के, तो यहाँ से साबित हो जाता है कि क्लोन वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिल्कुल रियल है। और अगर ये रियल है तो रेप्टिलियंस वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कहीं कहीं से रियल लगना स्टार्ट हो जाती है। अगर तुम्हें अभी भी इस रेप्टिलियंस वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर जरा सा भी शक है ना, तो ये वीडियो देखो पहले। These latest images are shot with a heat detecting camera. Hillary is blue, cold, metal. तुम इस क्लिप में साफ साफ देख सकते हो कि जब उस लेडी पर थर्मल कैमरा पॉइंट किया जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर मेटल पाया जाता है। मतलब वो बाहर से रबर की स्किन पहने हुए है बट अंदर से वो मेटल है। क्या साबित होता है इससे? बेसिकली अभी तक मतलब मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल क्लोन वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या फिर रेप्टिलियंस वाली, बट ये हो सकता है, इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है। अगर इतने सारे अमेरिकन इस चीज़ पर बिलीव करते हैं तो कहीं ना कहीं तो ये सच है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे पता है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आप लोग सजेशन देना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो ज़रूर उस बारे में लिखो कमेंट में जाके। कमेंट किया करो यार, 3-4 कमेंट तो कर ही दिया करो। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।